वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्लास चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में होमोफोन्स के बारे में। ठीक है, होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स क्या होता है कि होमो का मतलब है समान, फोन्स का मतलब है आवाज, साउंड। ठीक है, अर्थ होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक समान हो किंतु अर्थ और जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, मतलब मीनिंग सेम। बोलने में तो वो देखने बोलने में तो एक जैसे लेंगे, लेकिन जो स्पेलिंग वो डिफरेंट होगी, तो हम क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। सम का होता है जोड़ना और सम का होता है कुछ। जैसे एग्जांपल तो देखें, दो इसको भी हिंदी हम क्या बोलते हैं? सम। और इसको भी हम क्या बोलते हैं? सम। देखिए, बोलने में तो सम है लेकिन जो इसका मीनिंग है वो डिफरेंट है। इसका मतलब है कुछ और इसका मतलब क्या है? जोड़ना। देखिए, बोलने में सेम आ रहा है सम और उसका मतलब भी सम है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तो मैं लिख देता हूँ मैं कुछ वर्ड। जैसे आर लिखा हुआ है, ये भी आर है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? आर। तो इसे क्या बोलेंगे? घंटा। ठीक है, और ऐसे कुछ एक वर्ड लिख देते हैं आर, ये भी आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये दोनों वर्ड क्या है? बोलने में सेम लेकिन जो इसके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। मीन्स साउंड सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। जैसे कि वेट, प्रतीक्षा करना, वेट वजन को बोलते हैं। तो ऐसे ही डेफिनेशन दे रखी है, द वर्ड विच आर सिमिलर इन साउंड। साउंड में अगर वो सेम है बट इन द मीनिंग, लेकिन जो मीनिंग है उसका जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, आर कॉल्ड होमोफोन्स। तो उसे क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, वर्ड ऑफन कंफ्यूज और मिस यूज। जैसे कि एक देखते हैं एसिड, एक होता है एसिड, एक होता है एक्सीड। ठीक है, दोनों मतलब सेम है, एक्सीड एक्सीड। तो इसका मतलब है सहमत होना। जैसे ही ग्रेशली एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट क्या कर लिया? सहमत कर लिया। ठीक है, एक्सीड का होता है अधिक, कोई चीज ज्यादा होना। योर एक्सपेंसेस एक्सीड योर इनकम, तुम्हारे जो खर्चे हैं तुम्हारे इनकम से ज्यादा हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड देखते हैं एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़, जो हम प्लस माइनस करते हैं, और इसका मतलब भी एडिशन ही है। देखिए, बोलने में दोनों सेम है, एडिशन एडिशन, लेकिन यहाँ पे एडिशन का मतलब है जोड़, और यहाँ पे जो एडिशन है वो क्या है? संस्मरण। मीन्स जैसे कि आई गोट द आंसर बाय एडिशन, मैंने आंसर कौन सा किससे लाया? प्लस करके लाया। ठीक है, द न्यू एडिशन विल कम आउट सून, जो न्यू एडिशन आएगा वो जल्दी आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, एडवाइस एडवाइस, और ये भी क्या है? एडवाइस। ठीक है, तो ये क्या है? परामर्श, किसी चीज को सलाह देना, तो उसे बोलते हैं एडवाइस। ही गेव अप स्मोकिंग एट योर एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी कि वो छोड़ दे स्मोकिंग, छोड़ दे, गेव अप में छोड़ना होता है, योर एडवाइस। ठीक है, इसने मुझे सलाह दी थी, एडवाइस मीन्स परामर्श देना। आई एडवाइज हिम, मैंने उसे एडवाइस दी थी टू गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ने के लिए। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या है? सेम। ऐसे देखते हैं नेक्स्ट एंड, ये भी क्या है? एंड। देखिए, एंड एंड दोनों मतलब बोलने में सेम आ रहा है साउंड में, लेकिन जो डिफरेंट है वो मीनिंग में, देखिए लिखने में स्पेलिंग डिफरेंट है इनकी। तो इसका मतलब है एंड का मतलब और। ठीक है, और इस वाले एंड का मतलब होता है अंत, मीन्स लास्ट। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, राम एंड मोहन कैम हेयर यस्टरडे, राम और मोहन कल जो थे यहाँ आए थे। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? एंड। दो वर्ड के लिए हम एंड का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा एंड, डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे एंड लिखा, एंड मीन्स लास्ट। तो जो हमारी जिंदगी के लिए लास्ट है वो क्या है? डेथ है, मरना हमारा क्या है? लास्ट है।